फ्रूट केक की जगह बिस्किट भी यूज कर सकते हैं बिस्मिल्लाह, और इसको मजीद ठंडा होने के लिए फ्रिज। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आई होप आप सब ठीक होंगे, और मैं भी अल्लाह के फजल व करम से और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जी मैं ले आई हूँ आप लोगों की खिदमत में फलों के बादशाह आम को, और उसके साथ बनाने लगे हैं हम कस्टर्ड। अच्छा, कस्टर्ड की ना बचपन की बड़ी फ़नी स्टोरी है। जब हम स्कूल के मीना बाज़ार में ना इसको फिरनी का नाम दे के ख़रीद कर खाया करते थे, और मैं तो इतनी शौकीन थी ना कि पहले ही पैसे जमा करने शुरू कर देती कि मुझे कस्टर्ड चाहिए। इसके लिए मैंने 1.5 किलो दूध लिया है, 1 किलो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और 0.5 किलो मैंने कस्टर्ड मिक्स करने के लिए रख दिया है। अच्छा, उसके साथ ना एक और मज़े का सीन होता था। जब हमारे स्कूल में ना खानादारी होती थी 6 से लेकर 8 तक, तो मैं ना सबसे ज़्यादा प्रेफर करती थी कि मैं ना सवैयाँ जो कस्टर्ड में डाल के बनाते हैं ना वो बनानी है। एक तो बनती है अर्जेंट, एक मज़े की ठंडी, यख क्या कमाल था। तो मुझे बड़ा शौक हुआ करता था। ये जी 0.5 किलो जो बाकी का है उसमें से थोड़ा सा बच गया, मैंने कहा वो भी अंदर डाल देती हूँ। और इसमें मैंने डाले हैं 7 स्पून्स कस्टर्ड के, तो इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से। ये मैंने 7 गिन कर डाले हैं जो मेरा पूरा रहा है दूध के हिसाब से। नॉर्मली 6 डाले जाते हैं लेकिन मैं 7 डालती हूँ। पिंक कलर और येलो कलर का कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा होता है। 1 कप मैंने इसमें चीनी जो है वो शामिल की है। आप इससे ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा चक्कर लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल देते हैं। और मैंने अब इसमें डाल रही हूँ, जब दूध फुल बॉयल हुआ है ना तो इसमें डाला जाता है जी कस्टर्ड, और साथ साथ इसको मिक्स करते रहना चाहिए वरना लम्स बन जाते हैं और वो कस्टर्ड खाने का नहीं रहता। तो मैंने भी इसी तरह ही किया है कि साथ साथ जो है ना वो मिक्स करने पर उसको लगी हुई हूँ। यहाँ पर जी मैं आम काट रही हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है, मैंने कहा उसके हिसाब से ना आम काट लिए जाएँ, और बाकी जो है ना बच्चे बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं तो बच्चों को दे दिए जाएँ कि वो खा लें। बच्चे माशाल्लाह से बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, इस दफ़ा मैंगो बहुत खाएं, बट अभी तक मैंगो पार्टी नहीं हुई। जो ट्यूबवेल पर नहा कर साथ मैंगो खाने, ये वो मैंने 2-3 दफ़ा इजाज से कहा, बट अभी तक पार्टी नहीं हो सकी हमारी। उनकी मसरूफियत इस किस्म की है कि हम पार्टी नहीं कर सके। अब मैंने बार बार फोर्स कर रही हूँ कि हमें ना मैंगो पार्टी करनी चाहिए। सीज़न गुजर रहा और ज़िंदगी का पता नहीं होता अगले साल है कि नहीं है। हर लम्हे को हर दिन को एंजॉय करना चाहिए, और हर सीज़न को हर फ्रूट को हर खाने को अल्लाह ने दिया तो एंजॉय करना चाहिए। प्रॉमिस तो रोज़ कर रहे हैं, अब देखते हैं किस रोज़ वो हमें लेकर जाते हैं और किस रोज़ हमारे साथ अपना वादा जो है वो पूरा करते हैं। कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है, फ्रूट्स मैं ऑलरेडी काट चुकी हूँ, तकरीबन हमारे कट चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर जी अपना कस्टर्ड नीचे उतारने लगी हूँ, और अब इसको करना है ठंडा। ठंडे करने का तरीका ये है कि इसको ना पानी में डाल दिया जाए ना, तो ये बढ़िया आसानी से इसके नीचे पानी डाल दिया जाए तो ठंडा हो जाता है। और ये दूध मैंने ऊपर रख दिया, मैंने कहा इसी आग पर दूध हो जाएगा। 3-4 दफ़ा नीचे से अगर पानी चेंज किया जाए ना तो गर्म चीज़ ठंडी हो जाती है। इसका एक्सपीरियंस भाई सबसे पहले ना होता है जब आप मॉम बनते हो, क्योंकि उस वक्त बच्चे रो रहे होते हैं और दूध ठंडा करना होता है, और अर्जेंट बेसिस पे यही तरीका होता है कि फ़ौरन से इसको पानी में 3-4 दफ़ा पानी चेंज करो, इसके नीचे से ठंडा हो जाएगा। तो यही तरीका कार मैंने यहाँ पर इख्तियार किया है। इस तरह 3-4 दफ़ा पानी चेंज करने से ना ये तकरीबन 70-80% ठंडा हो चुका था, और उसके बाद मैंने इसको उठा के रख दिया फ्रिज में। और अपने बाकी के ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मैं काटने के लिए बैठ गई। मैंने कहा बाकी के ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो उतनी देर में कट करके रख लिए जाएं, ताकि बाद में इसको डिश आउट करके फ्रीज़र में रखा जा सके। हाँ जी, कस्टर्ड हमारा हो चुका है ठंडा, अब हम करते हैं इसको डिश आउट। क्या ज़बरदस्त कलरफुल सी हमारी डिश तैयार होने लगी है, और जितना वो देखने में खूबसूरत है उतनी ही खाने में खूबसूरत है। यहाँ पर जी मैंने फ्रूट केक रखा हुआ था वो उठा रही हूँ। जी हमारा ठंडा हो चुका है और इसको हम जी सबसे पहले बाउल में हम अपने केक रख लेते हैं, और उसके बाद डाल देंगे कस्टर्ड। ठंडा हो चुका है, फ्रिज में रख के मैंने ठंडा कर लिया है इसको। फ्लेवर कस्टर्ड का कोई सा भी ले सकते हैं, आप लोगों की अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। ये ठंडा चील होने के बाद हमने जो अपना फ्रूट्स काटा हुआ है वो डाल देते हैं।
बाकी तो कस के डाल देते हैं। बाद हम अपने बच्चे में फ्रूट्स डाल देते हैं और इसको मजीद ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखते हैं ताकि ये चिल हो जाए और फिर ये खाना है, खाने का है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ एक अच्छे से कल्चर में लेकर आऊँ। अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं, 2 घंटे बाद ये ठंडा हो जाएगा।